मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार बहुत जोर शोर से हो रहा है और इस बीच बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में करीब 120 टिकटों को लेकर सीटवार चर्चा की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सूची में ज्यादातर नाम पुराने ही हैं, जबकि इनमें पंचायत प्रतिनिधियों और युवाओं को भी मौका दिया जाना चाहिए था। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की आपत्ति के बाद सूची से करीब 15 से 20 नाम कट सकते हैं। हालांकि टिकटों की सूची शाम तक जारी होने की संभावना है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के कई नेताओं के चेहरे सूची जारी होने के पहले ही खिले हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिन नेताओं के टिकट फाइनल हुए हैं उनके पास फोन आने शुरू हो गए हैं। हालांकि इनमें कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर नेताओं ने बधाई संदेश लेने भी शुरू कर दिए हैं। सांचौर विधायक सुखराम विश्नोई, जो सरकार में मंत्री भी हैं, विधायक मदन प्रजापत इंद्रराज गुर्जर ने सोशल मीडिया पर अभिवादन के पोस्ट डाले हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि उनका टिकट फाइनल हो चुका है। बैठक में राहुल गांधी, सीएम गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल हुए। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की लंबी बैठक हुई थी, जहां पर सभी उम्मीदवारों के नामों पर लंबी चर्चा हुई और सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी ने करीब 100 सीटों पर सिंगल नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा। स्क्रीनिंग कमेटी के पैनल पर केंद्रीय चुनाव समिति ने मंथन किया। बैठक के बाद अब कभी भी 106 कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। पहली लिस्ट में बिना विवाद वाली सीटों पर उम्मीदवार तय हो जाएंगे। इनमें सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत, लक्ष्मणगढ़ सीकर से प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टोंक से सचिन पायलट, नाथद्वारा से डॉक्टर सीपी जोशी, बायतू से हरीश चौधरी, केकड़ी से रघु शर्मा, जहाजपुर से धीरज गुर्जर, सलूम्बर से रघुवीर मीणा जैसे दिग्गज नेताओं के नाम हैं। इसके अलावा जो नेता लगातार जीत रहे हैं उनके नाम भी इस सूची में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार इस लिस्ट में सर्वे में कमजोर आए मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की संभावना ज्यादा है और ऐसे करीब 15 विधायक हैं जिनका पार्टी टिकट काट सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर हर स्तर पर ज्यादातर सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट देने की पैरवी की। गहलोत ने कल भी कहा था कि विधायकों की वजह से ही काम हुए हैं और केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, इसके आधार पर उनका नाम कैसे कट सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।